हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 20th ऑफ जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर। आपसे पूछा गया है कि विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपके ऑप्शंस हैं MV गंगा विलास, MV भारत विलास, MV गंगायान या MV उत्तरायण। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, MV गंगा विलास। ये क्रूज अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा फ्रॉम वाराणसी और 3200 किलोमीटर की जर्नी ये कंप्लीट करेगा 51 डेज में टू रीच डिब्रूगढ़ इन असम वाया बांग्लादेश। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट रिसेंटली रीस्टोर्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, तेलंगाना, केरला या हिमाचल प्रदेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। इससे पहले बात करें तो 3 और राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब सरकार शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन इज़ द इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज वरुण 2023 दैट इज़ कमेंस्ड ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड इन जनवरी 2023। आपसे पूछा गया है जनवरी 2023 में पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू होने वाले भारत फ्रांस नौसेना युद्धाभ्यास का ये कौन सा संस्करण है। आपके ऑप्शंस हैं 19th, 20th, 21st या 22nd। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 21st एडिशन है। ये एक 5 डे का एक्सरसाइज होगा और इसको कंडक्ट किया जाएगा 16th जनवरी टू 20th जनवरी 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू असर रिपोर्ट 2022 आर करेक्ट। आपसे पूछा गया है कि असर रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली 2% चिल्ड्रेन करेंटली नॉट इनरोल्ड इन स्कूल इन रूरल इंडिया। सेकंड, मोर देन 60% स्कूल्स हैव प्लेग्राउंड। थर्ड, देयर इज इम्प्रूवमेंट इन इंडिकेटर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। प्लेग्राउंड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अराउंड 68.9% स्कूल्स हैव प्लेग्राउंड एंड ओनली 2% चिल्ड्रेन करेंटली नॉट इनरोल्ड इन स्कूल इन रूरल इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन करेंटली नॉट इनरोल्ड इन द स्कूल हैज़ ड्रॉप्ड टू 2% और बिलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विरासत इनिशिएटिव, आपसे पूछा गया है कि विरासत इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा इसे शुरू किया गया है टू सेलिब्रेट हैंडलूम होम डेकोर स्पेशल हैंडलूम प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति की रिपोर्ट जो होती है इसको कौन जारी करता है। आपके ऑप्शंस हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी या NGO। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एक NGO जिसका नाम है प्रथम, वो ये रिपोर्ट
जारी करता है। और असिर की बात करें तो असिर इज़ अ हाउस होल्ड सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स एंड कवर 6.9 लाख चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 16 ईयर्स टू रिकॉर्ड देयर स्कूलिंग स्टेटस एंड एक्सेस देयर बेसिक रीडिंग एंड एरिथमेटिक स्किल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 इज़ रिलीज्ड बाय, आपसे पूछा गया है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ILO, यूनिसेफ, UNDP या UN देशा, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व सामाजिक रिपोर्ट जारी किया जाता है UN देशा के द्वारा। और इस वर्ष 2023 की थीम रही है लीविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। ये आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष की थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर द वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट इन जनवरी 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ शाहरुख खान इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर लिस्ट। आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। शाहरुख खान की रैंक फोर्थ है और इनकी इनकम दिखाई गई है $770 मिलियन। इसके साथ ही वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट एक्टर की बात करें तो वो हैं जेरी सेनफील्ड, टेलर पेरी सेकंड नंबर पे हैं और डैन जॉनसन थर्ड नंबर पे हैं, फोर्थ पे हैं भारत के शाहरुख खान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।